नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है, आलू को भी कट कर लिया, धो लिया, टमाटर भी मैंने निकाल लिया है और प्याज वगैरह भी कट कर ली हूँ शायद। और इसमें मसाले तो वही सब पड़ेंगे जो पड़ते हैं, मतलब जीरा गोलकी यही सब। तो ये मसाले मैंने निकाले, लाल मिर्च है, धनिया है और गोलकी है और ये जीरा है। तो सारे मसाले भी निकाले हैं। ये प्याज भी मैंने 2 या 3 कट करके रखा है। तो बस आज बहुत दिनों के बाद मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शेयर कर देते हैं आप लोग के साथ। तो हल्का फुल्का मैंने बनाया है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूरा रेसिपी शेयर नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब अपने आप इतना गर्मी है ना कि फ़ोन एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा और बार बार मतलब कि ये हो जा रहा, फ़ोन बंद हो जा रहा अपने आप बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण, और वीडियो बनाते बनाते फ़ोन बंद हो जा रहा। तो ऐसे ही अभी हो जा रहा है, और फ़ोन पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गर्मी से ही हो रहा है। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को पहले थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ सरसों तेल में, इसलिए मैंने डाल दिया है सरसों तेल। और ये मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, आलू को भी फ्राई कर लूँगी जो क्रंची क्रंची लगेगा। और दोस्तों एक साथ इतनी खुशियाँ आ गई हैं, तो आपको अभी मैं बताऊँगी आगे वीडियो में कि क्या खुशियाँ आई हैं। फिर उसके बाद मैंने आलू भी डाल दिया था, शिमला भी डाल दिया था, और फ़ोन को मैं बार बार ना पंखे के पास रख दे रही थी थोड़ा मोड़ा वीडियो बना के। तो बस ऐसे ही कर रही थी ताकि फ़ोन मेरा किसी तरह से ठंडा रहे। और शिमला भी मेरा हो गया देखिए फ्राई अच्छे से, तो मतलब अच्छा ऐसे सब्ज़ी थोड़ा ठीक लगता है। और भी तरीका है, अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट भी बना के डाल दिया है, मसाले में मिला दी हूँ और पानी भी डाल दी हूँ। और प्याज अब भूनूंगी, ये भुना जाएगा उसके बाद प्याज वाज भूनूंगी। तो आलू को भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, थोड़ा मोड़ा फ्राई हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और फिर प्याज मैंने डाल दिया है उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, तो ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा जितना मतलब ज़रूरत हो उतना ही डाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। और मसाले मैंने डाल दिए, मसाले वसाले भून दे रही हूँ, और भून के उसके बाद फिर इसमें सारे आलू और ये सब डाल दूँगी साथ में ही। तो मसाले अभी भुने नहीं है, थोड़ा बहुत। और प्याज को मैंने पूरा ज़्यादा नहीं भुना है दोस्तों, थोड़ा कम ही, मतलब क्रंची रहने के लिए थोड़ा सा कम भुना है, आप लोग देख सकते हो। और इसी में मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा मुझे नहीं करना है, हल्का फुल्का ही करना है ताकि मतलब अच्छा लगे थोड़ा सा इसीलिए। और आलू और शिमला दोनों कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप लोग किस टाइप से बनाते हो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर मैंने डाला, मतलब शिमला उमला डाल के थोड़ा सा 2 मिनट भुना था, उसके बाद मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। तो मैंने बोला ना कि गर्मी से गर्म हो जा रहा था फ़ोन, तो फिर बाकी वीडियो नहीं बन पाया था, इतना ही बना। तो मैं सोचा चलो जितना बना है उतना मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग साथ। और सब्ज़ी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और अच्छा बना था, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। और ग्रेवी वगैरह मैंने रखा नहीं था, थोड़ा बहुत ही रखा था, और टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये देखिए मेरी और थाली लगी, और मैंने भिंडी भी थोड़ा सा बना लिया था, शिमला भी है, रोटी भी है गर्मा गर्म। तो बस अब थाली में लगा दे रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पे खीरा भी मैं काट लूँगी, तो सैलेड में मैं खीरा ही रखती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा पेट भी रहता है और ठीक रहता है खाने में भी, जो भी है ना मतलब जो भी खाओ इधर उधर का तो पच भी जाता है। तो बस मैं यही मतलब कि बना रही हूँ। और भिंडी भी मैंने बनाया था, तो भिंडी की बिल्कुल भी मैं रेसिपी शेयर है मतलब दिखाया नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचे हुए खाली भिंडी दिखाती है, इसलिए आज शिमला मैंने दिखाया और भिंडी को छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग देखिए पूरा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप लोग भी आ जाइए, देखिए थाली रेडी हो गई, तो आलू शिमला की सब्ज़ी है, रोटी है और खीरा है। और बस यहाँ पे दोस्तों मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और पसीने से देखे इतना ज़्यादा पसीना है, चमक रहा है एकदम सर, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ गैस पास मैं बस गैस कम करके और चली जाऊँगी, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब बर्दाश्त से बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी से दूध हो जाए, और गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन नहीं गर्म में भी नहीं हुआ है अभी मुझे, एक और भी मैं काम कर रही हूँ, तभी मैं दिखाऊँगी।
कैमरे से आप लोगों को मैं मतलब कि पानी भर रही हूँ। तो आजकल शाम को पानी चलता है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये क्या बोलते हैं, पानी भरना पड़ता है शाम ही को, सुबह में नहीं आता पानी, शाम को आता है। तो इसलिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सारा काम तो सुबह रहता है, तो पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यस, कम हो गया। नहीं, नहीं। और यहाँ पर ये कर लेते, कितना ज़्यादा पसीना। अरे इधर पानी भरा रहा है, इधर पानी भरा रहा है, बाथरूम में भी मैंने पानी भरा है सारा, धीरे धीरे ही चल रहा है, सारा पानी भरा रहा है चारों तरफ। बाहर में भी भरे हैं, अभी यहाँ तक मैं सारा कुछ में भर दूँगी, जितना रहेगा तो जितना काम चलेगा, फिर तो खाली हो ही जाता है सुबह तक। तो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ जितना मैंने पानी भरा है, अपने घर आया है। और एकदम अभी का पानी ना एकदम ठंडा ठंडा है, धीरे धीरे चल रहा है। और बाहर में भी भरा है, अभी बाहर में भी भरूंगी। लाइन कट गया का? कट गया। सब भी भरा है, ये सब भी कितना था, छोटा मोटा सारा। और लाइट भी पर बार चला जा रहा है, अभी लाइट चला गया तो पानी तो बंद हो जाएगा। पानी बंद हो गया, आधा ही भराया, वो पूरा भराया भी नहीं, लाइट चला गया। तो फिर देखते हैं, फिर जब आएगा तो भराएगा, ऐसे ही रहने देते हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ, ये सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आलू की भुजिया मैंने कट करके रखा है, मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और सब नहा धो के मैं आ गई हूँ, बाल वगैरह नहीं बनाया है, तो अभी मैं बना लेंगी। और देख तो दोस्तों मैंने अपना हरी मिर्च वगैरह डाल दिया है, ये है मेरा आलू की भुजिया और इधर प्याज भी पक रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्याज के अंदर से। दोस्तों मौसम थोड़ा ठीक है, सुहाना मौसम है, मैं अभी बाहर जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। मौसम एकदम अच्छा है और रात में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी भयंकर गर्मी के बाद जो बारिश हुआ है ना, तो ये खुशखबरी से कम नहीं है, बहुत बड़ी हम लोग के लिए खुशखबरी ही है। तो बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा मौसम एकदम चेंज हो गया। इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि पूरे शरीर में मेरी फुंसी हो गई, गर्दन वगैरह में, सर में,
और फुंसी हो गई क्योंकि लाइट भी चला जाता है ना, लाइट जाता है तो फिर आता नहीं है। तो यहाँ मैं चाय वगैरह बना रही थी और आलू भूंज रही थी, तो बस मतलब मौसम तो ठीक है लेकिन फिर भी गर्मी तो लग ही रही है, गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पे अच्छा मौसम कर दिया था थोड़ा, और एकदम से ना मतलब गर्मी, ये इतना गर्मी था, इतना गर्मी था ना, और बारिश इतना ज़्यादा रात को हुआ ना कि दोस्तों देखिए आज बहुत ज़्यादा मतलब दो दिन से इतना ज़्यादा भयंकर गर्मी था, धूप था, और उसके बाद रात में जो बारिश हुई है एकदम से लाइट भी चली गई थी, और जो बारिश हुई है मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, बिजली भी बहुत चमका था, और मतलब करीब एक या दो घंटे तक बारिश होते रहा, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। लेकिन अभी नेक्स्ट डे एकदम अच्छा मतलब मौसम किया है, एकदम सुहाना मौसम किया, धूप भी अभी तक तो नहीं है, 8:30 बज गया है लेकिन धूप नहीं है, और देखते हैं दिन में कैसा रहता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल धूप नहीं है और लाइट भी आ गया था, तो अच्छा मौसम है यहाँ पे। अरे ये कौन खींच दिया, ये लोग खींच दिया लगता है। बस मैं आ गई हूँ धूप में, और सुबह का टाइम ही है तो मैं ऐसे ही मेरा सर्कल रहता है सुबह का सुबह ज़्यादातर, और अभी मेरा काम हो रहा है कुछ कुछ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ये मतलब के बाद फिर ऐसा बारिश होता ना तो बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है, और मेरी आलू की भुंजिया तैयार हो गई। तो आज सिंपल सा ही हम लोग थाली बनाए हैं, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनाया है, हल्का फुल्का सा। तो आलू की भुजिया है, खीरा है, और दोस्तों आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रही है कि नहीं? हम लोग की तरफ तो मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा मतलब, और आलू की भी सब्ज़ी मैंने बनाया था और पराठा बनाया था, और पराठा ही बना लिया था, सूखी रोटी नहीं बनाया था, तो पूड़ी नहीं बनाया था, नहीं तो ज़्यादातर आलू भुजिया के साथ पूड़ी बनता है, और ये है सैलेड। तो बस आप लोग भी आ जाइए, आज की थाली रेडी हो गई है। तो आज की थाली में आलू की भुजिया है और आलू की सब्जी है और पराठा है और खीरा है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, और बताइए कैसा टेस्ट है, और आप लोग का इंतज़ार है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की सूरत के साथ। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।